इसमें करना था चूंकि नंबर ऑफ आयंस दिया हुआ है, एक आयंस बराबर बताए थे कि वन आयन बराबर कितना यूनिट चार्ज, तो थ्री ई सॉरी वन ई नहीं, इसीलिए कितना कितना हो जाएगा 3.0115 इंटू 10 to the power 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.602 इंटू 10 to the power -19 कूलम, है ना। तो अगर इसको हम लोग एक मोल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 96,500, ये हाफ है तो कितना हो जाएगा 48,250। ठीक है, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना। अच्छा, वो जान करके जब क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो इस टाइप से देगा ही मोल के टर्म में, ताकि तुम इसको तुरंत कर सको। जैसे कि ये कितना है, हाफ मोल है कि नहीं है, किससे वहां पर मोल वाला पर बनाए थे एक्शन वाला पर, हाँ उसे ही बन जाएगा, उसे ही बनेगा। एन जो है वहां पर मोल लिए तो यहाँ पे क्या कि इतना बटे कर दिया होगा 6.023, तो बात तो वही हुआ, वही तो बोलेगी हाफ मोल कितना ही आएगा, उससे भी करेंगे तो एकदम आराम से आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग टोटल चार्ज बराबर क्या लिखे हैं, एक्स एन फैराडे, तो एक्स तो हमारा पता है कि वन वन नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनओ थ्री माइनस है तो वन हो गया इंटू। अब मोल कैसे निकालेंगे तो इतना बटे, क्योंकि ये हमारा आयन के टर्म में है तो बाई कितना हो गया 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 96,500, ये सीधा कट जाएगा कितना दो बार में, दो से डिवाइड करोगे कितना आएगा, तो आप ऐसे निकालिए ऐसे निकालिए, नहीं मतलब फंसा नहीं तुम लोग लेके, नहीं बढ़िया बात है कि खराब बात है, अच्छी बात है बिल्कुल। मतलब इसका मतलब है कि कंसेप्ट अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। कभी कभी बनने वाला भी नहीं बनता, वो सब का होता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, है कि नहीं। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा अपना हो जाएगा, और तब लगेगा अरे यही सब तो कोई बड़ी बात नहीं। कलम चल रहा है सब लोगों का, तुम गलत टाइम में बताइए देती हो, जब सब कलम सब का रुका रहेगा तब तो बताएगी नहीं, और जब कलम चलते रहेगा तब सर हो गया, बताओ टाइमिंग गलत है।
टर्म सुने हो कि नहीं, ये टर्म सुने हो कि नहीं, ग्राम आयन, ग्राम आयन सुने हो कि नहीं? नहीं, अगर ग्राम आयन आप नहीं सुने हैं तो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। इसलिए पहले इसको समझ लो, क्या होता है कि जैसे मोल है, ठीक है ना, मोल, तो मोल को हम लोग तीन टर्म में जानते हैं, कौन कौन, एक ग्राम एटम, दूसरा ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ऐसे लिखा रहता है। और समझ में आया, मतलब मोल को ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ग्राम एटम है तो ये हो गया वन मोल एटम, और अगर ग्राम मॉलिक्यूल है तो वन मोल मॉलिक्यूल, समझ में आ गया है। और ग्राम आयन है तो वन मोल आयन। अब तो आसान हो गया, एक सवाल बना लो, क्या ऋतिक, सवाल बन रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? जबरदस्ती मुंडी हिला रहा है, हैं? कितना, नो नो नो, कहाँ मिस कर दिए, ना, ठीक है, नो नो नो, करो पुट करो वैल्यू, 96,000 मारेंगे, एफ का वैल्यू कितना होता है, हाँ चलो, ठीक है, आसान तो था ये, तो और आसान दे दिए थे, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, तीन दुनी छह, अच्छे गुने 96,500, थ्री मोल है ना जी, इधर टू यूनिट चार्ज है, तो तीन दुनी छह, उधर 96,500, तो 6×54 57,900, फिर समझ में आया, इसमें फॉर्मूला वेट कहाँ है, ग्राम दिया रहेगा तब ना, ग्राम आयन दिया हुआ है, मतलब मोल दिया हुआ है, ठीक है, जो दिया हुआ रहे बस उतना ही काम करना है, X2N3 96,500, बताओ, ये सवाल तो हो लगता है कि मोलों से हलवा है, नहीं क्या है? इसीलिए बोलते हैं कि क्लास मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बीच की कड़ी गायब, तो गायब चलिए
नीट टाइप क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन देखे थे हम लोग, देखी थी, ठीक था देखने में। कुछ कुछ ही पता चला। ओरिजिनल देखी थी कि मोबाइल पे देखी थी? सेकंड बी मतलब देखने में अच्छा है इसलिए था? देखो जब ये ए या बी हुआ इसका मतलब देख देख करके देखता है। हैं? जरूर तुम तो काम आ रहा होगा पक्का। अच्छा अब देखते हैं सब लोगों का वही आता है क्या ना, वो सही होने का सवाल नहीं पता। वो सब जान करके हमेशा ऐसे चॉइस देते हैं जो हाँ बच्चा फंस जाए। क्या रे सर आप पढ़ाने आते हैं कि फंसाने आते हैं हम? हाँ जितना मोल कंसेप्ट पढ़ाया है ना उसका यूज करो ना, सबका निकालो वैल्यू, एनए के टर्म में निकालो अपने पता चल जाएगा। रफ हमको तो आंसर दिख रहा है, तुम लोगों को दिखे या ना दिखे। All have same value. नहीं रे सेम वैल्यू कैसे आएगा, वो थोड़ी देर के खुशी दे देते हैं। देखो इतना तो श्योर शॉट है कि हाइड्रोजन एटम है तो इसका फॉर्मूला वेट क्या होगा? वन। इसका मतलब कि फॉर्मूला वेट बराबर एन एटम तो 6 ग्राम बराबर कितना होगा? 6 × 16 × एनए, इतना ही एटम होगा। ठीक, अब यहां पर देखो 298 U है दिया हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 98 U बराबर कितना? वन मोलेक्यूल। और वन मोलेक्यूल बराबर कितना? 4 × 1 = 5 = 2 = 7 सेवन एटम। इसलिए 298 U बराबर कितना होगा? 7/98 × 298 तो 3 point something आएगा, 3 point something, चूंकि 98 + 294 होता है तो 3.0 something, चलो तो 7 × 21 यानी कि 21 एटम्स आया। अब सोच लो तुम कि यहाँ इतना एन ए एटम और तुम कैसे भी बोल दिया, वो तो खत्म हो गया वैसे ही। और 20 ग्राम एटम है अभी सामने में लिखा हुआ है, इसलिए मिटाए जान के नहीं है ताकि तुम देखो, तो ये कितना हो गया 20 मोल। अब 20 मोल बराबर 20 × एनी एटम, सबका सेम वैल्यू हुआ नहीं हुआ? हैं कौन बी? तो बी में तो कैसे छह एटम है, 20 एनए एटम है। तो एनए का मतलब क्या हुआ? 6.023 × 10²³ ज्यादा, सबसे ज्यादा हुआ। तो फिर हाँ भाई देखने में अच्छा लगेगा तो पक्का है कि गड़बड़ होगा वो है। गुलाब फूल भी देखने में एकदम कितना खूबसूरत लगता है, खाली कांटे भरल रहता है कि नहीं? तब
समझ में आ गया सब लोगों को सब कुछ? ठीक है, अब हम लोग इस पोर्शन को फिनिश समझेंगे और नेक्स्ट हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या सॉल्यूशन का मोलरिटी मोलरिटी। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा सा मोलरिटी मोलरिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग करिएगा क्या कि पूरा का पूरा इस सब चीज को बढ़िया से रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में देख लेना कि देखने में उस कान अच्छा है कि नहीं, वह मार देना चॉइस। हाँ।